तो अप्रॉक्स 7 बजे है एंड अभी अभी मैं उठा हूँ और चलो कॉलेज के लिए चलते हैं, रेडी होते हैं, शुरू होते हैं। एंड बहुत मुश्किल है भाई 7 बजे उठना, क्या बताऊँ। तो मौसम तो आज बड़ा बेगाना सा हो रहा है, लगता है अभी भी बारिश हुई है। तो चलो ठीक है, आपके लिए इतनी जल्दी उठे हैं वीडियो बनाने के लिए, पहला लेक्चर अटेंड भी हो रहा है तो मौसम भी अच्छा है तो बढ़िया है, करते हैं। चलो बढ़िया है, ब्रश व्रश भी कर लेते, चलो जल्दी से। मनीष भी उठ गया है बहुत जल्दी है और ये तो हमारा गुड बॉय है तो जल्दी उठ ही जाता है। कुछ कहना चाहता है? कुछ नहीं, बस अभी घर पे बता रहा था, उठ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया यार, चलो बढ़िया। ओके ओके, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि आज रात को बारिश भी हुई है जिसकी वजह से बहुत ठंडा मौसम हो चुका है और आज ठंडे ठंडे पानी से भी नहाना पड़ेगा। आहा, तो आज शायद से हम गर्म पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मी के मौसम। ओह माय गॉड, नाइस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इतनी जल्दी उठ के क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहा हूँ, क्लास में जाना है आज। वैसे उठना कितना मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल है यार। अरे यार चलो कोई नहीं, आ जाए आ जाए। तो अभी हम अटेंड करेंगे 8 से क्लास, 8 से 9। बहुत मुश्किल होता है अटेंड करना क्लास जब आप रात को बहुत जल्दी सोते हो। तो 3:30 बजे सोया था मैं, तो पढ़ाई करता रहता है, इसका तो अलग ही सीन है। बट चलो ठीक है यार, करते हैं ब्रश व्रश करते हैं। वो तो पचौरी से मुझे याद आया, पढ़ाई, एंड पढ़ाई करना भी इम्पोर्टेंट होता है ना। मतलब डे इन लाइफ देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए हम पढ़ाई भी करते हैं, मतलब कभी कभी। रिसेंटली मैं प्रिफर कर रहा हूँ प्रेप लेटर के बायोकेम के नोट्स, जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो इन नोट्स में स्पेशल क्या है? तो सबसे पहले और सबसे यूनिक बात, इसमें आपको टाइम स्टैम्प देखने का मिल जाता है हर टॉपिक के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको नोट्स में से कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, डायरेक्टली नोट्स से उस टॉपिक की वीडियो पे जंप कर सकते हो। इसमें आपको इंपॉर्टेंट बॉक्सेस देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स मस्ट टू अंडरस्टैंड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जैसे कि हमें पता है कि हमारी विजुअल मेमोरी सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसमें आपको गुड क्वालिटी इमेजेस मिल जाती हैं। उसके साथ साथ आपको हाउ टू रिमेम्बर बॉक्सेस में मिल जाते हैं, जिसमें आपको निमोनिक्स मिलते हैं जिससे आपको चीजें बहुत जल्दी से रिटेन होती है। तो जैसे आप सभी को पता है हमें चीजें तभी पसंद आती है जब वो दिखने में सुंदर होती है। तो इसमें आपको अच्छे अच्छे वेल लेबल डायग्राम देखने को मिल जाते हैं, आपको टेबल्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको सिस्टमैटिक लर्निंग करने में मदद करते हैं। क्वेश्चंस की इस ऐप में कोई कमी नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। डाउनलोड करें ऐप को एंड आप खुद इन सारे नोट्स को अपने आप से रिव्यू कर सकते हैं अंडर द सैंपल नोट सेक्शन। आप सभी जानते हैं कि ऑल न्यू यूजर्स के लिए 24 आवर्स के लिए यह फ्री रहता है, तो मजे करो। सो अगर आपको इसका कंटेंट पसंद आता है एंड आप सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हो तो यूज माय कूपन कोड monsoon33 टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफ 1500। प्यारा ऐप है, डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं। वीडियो में वापस आते हैं। बस हो गया, उठ गया हूँ मैं। अब तुमसे तो क्या ही झूठ बोलना, बहुत मुश्किल होता है भाई सुबह सुबह जल्दी उठने में। 8 बजे की क्लास में हम उठते हैं 7:55 पे, वाह। पर नहीं, आज मैं 7 बजे उठाऊँ, ठीक है, थोड़ा जल्दी उठाऊँ और अभी 8 बजे की क्लास अटेंड करनी है। तो करते हैं, चलो क्या कर सकते हैं। तो भाई आज 8 बजे की क्लास अटेंड करने वाला है भाई आकाश, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बस थोड़ी नींद आ रही है क्योंकि रातों को सोएंगे। कितना मुश्किल होता है 8 बजे की क्लास अटेंड करना, वो तो हॉस्टल वाला ही समझ सकता है। आप भी समझ सकते हो और हम भी। चलो कोई नहीं, बढ़िया। चलो पहले थोड़ा पेट पूजा किया जाए। ब्रेकफास्ट हम ज्यादातर नहीं करते हैं क्योंकि हम मतलब बिल्कुल जस्ट उठते ही है। मैं तो चाय पी के निकल जाता हूँ, या तो चाय पीता भी नहीं हूँ। आज पहली बार थोड़ा ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ तो अजीब सा लग रहा है। तो चिराग, आज हम 8 से 9 अटेंड करने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? मैं करीब 1 हफ्ते बाद जा रहा हूँ 8 से 9 अटेंड करने। हाँ हाँ, तो आज अच्छा लग रहा है, सुबह जल्दी उठ के, मौसम भी अच्छा है। मौसम तो आज अच्छा है ही, उसके सकते हैं मौसम कितना सेक्सी सा हो रहा है। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हमारा, इसलिए आज सुबह क्लास ले लेते हैं। ओ माय गॉड, मेरा कोट गिर गया था नीचे। ओके, आज मैं उम्मीद जा रहे हैं कि फिजियो समझ आएगा। ओ भाई, ओ फिजियो के फर्स्ट लेक्चर? हाँ फिजियो पहला। ओ फिजियो है, चलो बढ़िया है, फिजियो पढ़ेंगे। कुछ दिन पहले तूफान आया था, उसके ये इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। माय गॉड, यहाँ पे 3 दिन लाइट नहीं थी। हाँ, 3 दिन हॉस्टल में अंधेरा हो रखा था बिल्कुल ही। हम कैसे रहे वो हमें ही पता है।
पखारिया कुछ कहना चाहता है? गुड मॉर्निंग जी। ओह माय गॉड, सुबह सुबह उठ के कैसा लग रहा है? अरे बढ़िया। सुबह हो गई। सॉरी, इंस्टाग्राम चला रहे क्लास के बीच में? क्या करें, टाइम पास तो करना पड़ेगा वरना नींद आ जाएगी। अरे भाई भाई, अदर क्या कर रहा है भाई? सीनियर की फाइल कंप्लीट कर रहा हूँ। अरे भाई भाई, मुझे नहीं करनी है, मैं आपको करूँगा। ओ भाई सावन, रोल नंबर 200 अटेंडेंस। आखिरकार क्लास खत्म हो ही गई और आएगी आगे। इसके बाद एक और क्लास है। भरोसा रखो अतर, क्लास खत्म। क्लास खत्म होगी और आएगी क्लास, ऐसे थोड़ी खत्म होती है क्लास। कहना चाहती है? I'm back for the vlog only. Oh, bye bye bye. तो आज हम सुबह से क्लास अटेंड कर रहे हैं, पर तू दिखा नहीं मुझे सुबह की क्लास में। अरे मैं तो क्लास में था, ये सावन आज जग गए हैं क्लास अटेंड कर रहे हैं। क्या सावन, आप अगर वीडियो देख रहे हो आपको लग रहा हो सावन सुबह सुबह उठ के क्लास अटेंड करता है, थोड़ा सा झूठ है। ये सुबह उठता है, मैसेज करता है मेरी प्रॉक्सी लगा देना भाई और सो जाता है। ये झूठ है। पर मैं ऐसा नहीं करता। और रिया कुछ बोलना है? रिया मिल गई। आज 8 बजे से क्लास अटेंड कर रहे हैं, कैसे लग रहा है? नहीं कर रहा है, सॉरी, कर ही तो नहीं रहा है। हमारी बायोकेम की ट्यूटोरियल भी खत्म हो गई है, तो सार्थक कैसा चल रहा है दिन? बढ़िया चल रहा है, भाई झूठ नहीं बोलना होता, सच्चाई बोलनी होती है। पाप होता है झूठ बोलना, इससे हम बात नहीं कर रहे, नाराज हो गए। विवेक भाई, और भाई कैसा चल रहा है? सब बेकार चल रहा है अभी तो। क्यों? दिया ट्यूटोरियल, 2 घंटे का ट्यूटोरियल ले लिया उसने। अरे यार यही तो होता है यार, क्या कर सकते हैं भाई। अभी लंच हो रहा है और हमारे पचौरी भैया लंच में भी बढ़ रहे हैं भाई साहब। क्या कहे यार पचौरी यार, आपका क्या कर रहे हो यार? शाम को खेलने जाएंगे वॉलीबॉल, थोड़ा कवर अप तो कर ही लेते हैं। ओ भाई साहब, इतना मतलब इतना डेडिकेशन कहाँ से आता है भाई? है डेडिकेशन भाई, अभी 1.5 महीने से कुछ नहीं पढ़ा, कुछ तो पढ़ ले यार। कौन बोल रहा है? डेढ़ दिन मुझे लग रहा है 1.5 घंटे से कुछ नहीं पढ़ा, इसलिए 1.5 घंटा इसलिए इसको हो रहा है भाई। चल पढ़ यार पढ़। तो ये हमारा मनीष भयंकर सबसे आगे बैठा रहता है एलटी के, सबसे आगे वाली सीट पे है ना, एक सही बात नहीं है? बैठता है भाई, क्या पढ़ता है भाई तू, ऐसा क्या पढ़ लेता है सच होता? अरे कुछ नहीं जाता, जो तेरे को पता है वो। सुनने में आया है कि तू आगे बैठता है। अरे कुछ नहीं, अच्छी कॉन्सेंट्रेशन बनी रहती है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती। ओके ओके, बच्चे बात कर लेते हैं तो फिर इसलिए। ओके नाइस नाइस, कीप इट अप। डांगी डांगी, कैसा लग रहा है अटेंड करके कॉलेज?
हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं। पूरा पूरा दिन अटेंड करके? पूरा दिन तो कौन ही अटेंड करता सब तो पता है। कितने बजे गया क्लास ये बता दे। आज मैं क्लास सुबह 8 बजे चला गया था। क्या क्या मुझे तो नहीं दिखा भाई तू तेरी तो मैंने प्रॉक्सी लगाई है भाई। विश्वास कैसा लगा? मैं तो किया 7 बजे किया। 7 बजे 8 बजे की क्लास होती है। हम सुबह 6 बजे उठते हैं। मुझे क्यों लग रहा था कि तुम 10 बजे एंटर कर रहे थे क्लास में? नहीं यार एक्चुअली 11 बजे एक्चुअली। आर्को तू कितने बजे से अटेंड कर रहा है? 8 बजे 9 बजे आज 9 बजे बाकी दिन तो 8 बजे चला जाता हूँ। बाकी दिन तो कर जाता है मतलब सुबह अलार्म बज रहा होता है भयंकर 6:05, 6:10, 6:15 बज रहा होता है इनके कानों पे बज रहा होता है ये उठता ही नहीं है, है सबके कानों में बज रहा होता है मेरे को तो जरा से भी आवाज होती है मैं उठ जाता हूँ। ये जो कल पूरे दिन बंक पे था और आज हमें बोल रहे हैं ओ पूरी अटेंड करी अटेंडेंस शीट देख लियो पूरी अटेंडेंस लगी हुई है ये बोल रहा है ये अरे ये बोल रहा है पीवीएल का क्लास है तो जाएगी प्रॉक्सी लग जाएगी ये सब झूठ है हम ये कट जाएगा बाद में यार सुबह सुबह उठना पड़ता है क्या यार ये तो जिंदगी यार ये मतलब उठा रात को 2 बजे सब सोते हैं 2-3 बजे सोते हैं उसके बाद 8 बजे उठना बहुत मुश्किल है। अटेंडेंस चाहिए यार जाना पड़ेगा उठना पड़ेगा यार अटेंडेंस बहुत यार अटेंडेंस के लिए बहुत टॉपर की एडवाइस दे रहे हो भाई ऐसी एडवाइस हो गए बच्चों को प्रॉक्सी लगवाओ क्या होती है प्रॉक्सी क्लास में पढ़ाई बहुत कम होती है इसलिए आराम से डीएच जाओ बाकी कुछ भी करो एंड घर पे बैठ कर पढ़ो। ओ भाई मस्त अरे क्या बात है प्रैक्टिकल भी हो गया तो मैं बोलूंगा चला जाएगा प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट होता है काम का स्किल डेवलपमेंट चलो ठीक है ओके 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 बढ़िया ओके गाइस ये हमारे दोस्त जब ब्रेक टाइम चल रहा है और यहाँ पे लेटे पड़े हैं ये है पूरी रात की थकावट और पूरे दिन की थकावट सुबह क्लास में भी ऐसे ही पड़े रहते हैं और यहाँ पे भी ऐसे ही पड़े हुए हैं शक्ल तो दिखा दो जरा अपनी ओए ओए जग जा अच्छा यहाँ पे सावन है ये तो पता नहीं का सावन है यहाँ पे अथर्व पट्टम्बर दिखा भाई शक्ल हाय हेलो कर कुछ अरे बोल तो सही आवाज हेलो गाइस ये मैं नहीं हूँ ये कोई और है देख लो कौन है आप मुझे पागल हो गया मैं तो उस साइड होता हूँ हमेशा अच्छा 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 ये तो मेरा हमशक्ल है ओह माय गॉड गाइस अभी मिलता हूँ मैं उस साइड मिलता हूँ आपको कैमरा के ठीक है ओके बाय गाइस तो हमारा लंच ओवर हो चुका है 2 बज रहे हैं पता नहीं कब शुरू होता है इतनी जल्दी खत्म भी हो जाता है तो अभी 2 बज रहे हैं हम अपना डीएच अटेंड करने जा रहे हैं आज 2 से 4 डीएच है जो कि कभी होता नहीं है सो लकी डे खाना खाने के बाद मन नहीं करता डीएच अटेंड करने का यार क्या करे यार डीएच अटेंड करना पड़ रहा है यार खाना क्या करे यार सोना है मुझे तो सबको ही सोना होता है क्या कर सकते हैं यार तो आज मौसम भी बड़ा नासार सा हो रहा है नहीं अच्छा हो रहा है मौसम मतलब बेमान हो रहा है भाई बेमान हो रहा है मतलब पता नहीं कुछ मुझे लगा अच्छा वर्ड तो मैंने भूल दिया ठीक है यार ऐसा मौसम होना चाहिए यार हमेशा है ना सेक्सी मौसम है यार दिल्ली में बहुत रेयर केस होता है अबे यार अभी तो देखना दिल्ली की बारिश है क्या हो गई ये बारिश है वो बारिश होने लग गई भयंकर वो होने लग गई लिटरली हो रही है क्या कर रही है एक्सपायर्ड निडल के साथ आज मैं एक्सपायर हो गई 2019 में एक्सपायर्ड हो गई मैं 4 साल बाद जो भी जितने भी साल बाद मैं आया हूँ वापस निडल के पास करते हैं कुछ तो भी इधर करेंगे अभी हम जा रहे हैं गजीबो हमारा कुछ नाटक था तो हमारे ड्रामा सोसाइटी में यू नो सिलेक्शन टाइप कुछ हो गया हमने किया भी था स्किट उसका थोड़ा सा पार्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ या नहीं दिखा सकता नाम तो उसमें आप मेरे को तो जानती हैं उसका शायद आपको नहीं दिखा पाऊंगा पूरा पार्ट वो थोड़ा एडल्ट कंटेंट है
अभी बारिश हुई जस्ट। ओ माई गॉड, सीलन देख सकते हो भाई क्या हालत हो गई है। वाइपर से साफ करना पड़ रहा है, पूरा पानी पानी हो गया, पूरा पानी टपक रहा था। मतलब ये उधर से टपक के आता है, फिर इस बेड के नीचे से पूरा गंदा गिरा जाता है। अरे भाई अजीब, बारिश शोर से आते समय आ जाता है। सबसे ज्यादा दुख दर्द की बात यह कि ऐसा सिर्फ एक नंबर में होता है। हाँ ये बात है। चलो क्या कर सकते हैं, हमारे जो कर रहे हैं वही कर सकते हैं। जो कर रहे हैं वही कर सकते हैं। चलो ठीक है यार। मूवी देखने जा रहे हैं टॉप गन मैवरिक और जल्दी चलो जल्दी ये जल्दी जल्दी कह रही है। इसका नाम हम अभी भी गुप्त रखेंगे क्योंकि अपना नाम रितिक्षा की वजह से लेट हुए तो हम रितिक्षा की वजह से लेट हुए हैं तो क्या कर सकते हैं यार। पीछे मतलब लड़कियां इतना टाइम लगाती है यार, मतलब मेकअप भी करना है इन्हें, हैं सब कुछ बैग भी पैक करना है, जैसे पता नहीं हम कहाँ शादी में जा रहे होंगे। छाता भी लेना है, हम तो बिना उसके आ गए यार। मतलब क्या यार तू ये बताओ प्रियंका, होता है क्या नहीं होता ना यार, दैट्स नॉट गुड यार, दैट्स नॉट गुड। सबको देखनी चाहिए, बस सब टाइटल्स हो जाते तो मजा आता, और सब टाइटल्स गायब थे उससे पता नहीं क्यों।